जमशेदपुर के जुगसलाय थाना अंतर्गत टाटा स्टील के पावर हाउस गेट के सामने स्कूटी सवार पिता पुत्र को अज्ञात बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जहां घटना स्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। इस घटना में पिता भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना उस वक्त घटी जब 14 वर्षीय ललित प्रसाद को स्कूल छोड़ने उनके पिता विकास प्रसाद अपनी स्कूटी से बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से तेज गति से आ रही एक बस ने स्कूटी को अपने चपेट में ले लिया, जहां इस घटना में पिता पुत्र दोनों घायल हो गए और बच्चे ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घायल पिता विकास प्रसाद ने बताया कि उनका पुत्र ललित प्रसाद बेल्डी स्कूल का 8वीं कक्षा का छात्र है। सुबह वे अपने पुत्र को लेकर स्कूटी से स्कूल जा रहे थे, तभी पीछे से पीले रंग की एक बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जहां इस घटना में वे दोनों घायल हो गए। बच्चे को लेकर वे टाटा मेन अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही जुगसलाय पुलिस टाटा मेन अस्पताल पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। उन्होंने बताया कि अज्ञात बस की चपेट में आने से घटना घटी है, फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। अतिक्रमण तो बहुत ज़्यादा रोड में करके रखा हुआ सर, सुबह सुबह झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।